यूनियन क्लब रायपुर में भी अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान सभी पदाधिकारी व सदस्य यहां मौजूद रहे। गुरुचरण सिंह होरा ने इस अवसर पर सभी को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि यूनियन क्लब की अलग पहचान है। यह क्लब देश विदेश में अपने खेल गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह टेनिस बैडमिंटन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित होती है। इसमें सभी का योगदान रहता है। वही क्लब के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि क्लब की आज जो भी पहचान है वह केवल अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की बदौलत है। इन्होंने महासचिव रहते हुए टेनिस और बैडमिंटन के कई ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। अब अध्यक्ष बनने के बाद क्लब एक नया मुकाम तय कर रहा है। आगामी दिनों में गुरुचरण सिंह होरा के मार्गदर्शन में कई ऐसे कार्य होंगे जो सभी सदस्यों के लिए अनुकरणीय हैं। गणतंत्र दिवस 74वां पूरे देश और पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। संविधान की परिधि में रहते हुए सबको अपने अपने कार्य करने हैं और निस्संदेह इस मेला पे मैं शहीदों को प्रणाम करता हूँ और अपने जितने भी छत्तीसगढ़वासी हैं उनमें मेरे ब्रॉडकास्टर, मेरे कर्मचारी, मेरे अधिकारी, मेरे LCO सबको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और संविधान दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। गौरतलब है कि गुरुचरण सिंह होरा के दिशा निर्देश में यूनियन क्लब में समर कैंप का आयोजन किया गया जिसके पुरस्कार वितरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इसके साथ गोंडवाना कप का आयोजन किया गया था जिसकी शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा की गई। इसके अलावा कई ऐसी स्पर्धाएं आयोजित हुई जो सबके लिए यादगार क्षण रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।